हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की दिलसोज शहादत के मौके से सहरोज़ा मजालिस का अहतमाम किया गया है। बिन्ते पैगंबर कायनात की अजीम तरीन खातून रिजाए परवरदिगार की मरकज मादरे आइमा अंबियाओ मुरसलीन की खुशनुदी और इस्लाम की हयात की वो जामिन कि जिसने अपनी जिंदगी में इंसानियत का वो दर्स दिया जिससे कायनात में हुकूक़ इस्मा और हुकूक़ बशरियत की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। आज इस मजलिसे अदा का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया जाएगा। हर बज़्म की कामयाबी हर जलसे की कामयाबी उसी वक्त मयस्सर होती है कि जब कोई अपने काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करे। तिलावते का मेहरबान खैर व बरकत और क़ुलूब को मज़बूत करने के लिए उतना ही अहमियत का हामिल है जितना कि अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी। अल्लाह ने अपने कलाम को हर जिहत से मुकम्मल और मुस्तहकम बनाकर कलमे पैगंबर पे नाज़िल किया। वो पैगंबर जो अक़वाम के लिए नमूने अमल बनकर आया वो नबी कि जिसे अल्लाह ने तमाम अंबिया पे फजीलत अता की, वो रसूल कि जिसकी रिसालत तमाम अंबिया के लिए बाइस फ़ख्र है, वो नबी जिसका अखलाक पूरी कायनात के लिए नमूने अमल है, वो अल्लाह का नबी कि जिसकी तखलीक वजह कायनात है। अल्लाह ने अपने उस हबीब को एक ऐसी बेटी अता की कि जो पूरी कायनात में तमाम निस्वा के लिए राह अमल है। अल्लाह ने अपने उस हबीब को दो नेमतें अता की, नेमतों के साथ साथ अजीम तरीन रहमत भी अता किया। यकीनन वो पैगंबर आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत है, मगर अल्लाह ने उस मरकज रहमत के लिए भी एक रहमत का इंतखाब किया और उसी रहमत को कायनात में फातिमतुज़्ज़हरा के नाम से याद किया गया। यकीनन जिनकी जिंदगी का शियार कुरान था, या यूं कहूं कि अजब जुमले दहन पे आते हैं कि कुरान उन्हें पढ़ता था या वो कुरान को पढ़ती थी। यकीनन बज़ाहिर तो देखने में ऐसा ही लगता है कि फातिमतुज़्ज़हरा शहजादी कौनैन कुरान पढ़ा करती थी, लेकिन दर हकीकत अगर कुरान से पूछा जाए तो कुरान खुद कहता है कि मैं तो फातिमतुज़्ज़हरा को पढ़ता हूँ। तभी तो उस शहजादी की यह फजीलत थी कि आप जब मेहराब इबादत में खड़ी होती थी तो पूरे दर दीवार से नूर साते होते थे। एक नूर था जो कायनात को बता रहा था कि इस जमीन पे ऐसी भी खातून है, इस जमीन के सीने पे ऐसी अजीम तरीन खातून के कदम रहते हैं कि जब मेहराब इबादत में आए तो नूर चारों तरफ फैल जाए। यकीनन वो नूर की मलका मलके नूर के जिसका वजूद मुकम्मल नूर है,
यकीनन वो नूर के टुकड़ा, वो नूर का टुकड़ा था जिसके लिए पैगंबर ने कहा था फातिमा तो वसअत मिन्नी मन अदा फकत अदानी मन अदानी फकत अदल्ला मन अदा अल्लाह फकत कफर। फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसको रसालत है फातिमा, कायनात में कोई खातून ऐसी नहीं है कि जो मासूमा हो सिवाय फातिमा तो जहरा के, जिसे अल्लाह ने मासूमा कौन बनाकर भेजा। मल कहे जना, मल कहे कायनात, मल कहे रोजे मक्षर, वो खातून के जिसकी अजमत और इज्जत अल्लाह बयान करता है, इंसान की जुबान में वो ताकत नहीं है कि जो फजाइले जनाबे जहरा बयान कर सके। ये तो फकत और फकत अल्लाह का हक है कि जो मथे जनाबे जहरा करे। तभी जो अल्लाह जब मिथते जनाबे जहरा करता है तो सूरह दहर नाजिल करके बताता है, जिसे अजमत जहरा पढ़ना हो वो सूरह दहर पढ़कर देख ले। और क्या कहना उस खातून का कि जिसने अपनी जिंदगी में वो दर्स दिया है कि कायनात का हर शख्स फर्द से अपना सर ऊंचा कर सकता है, मगर शर्त ये है कि वो शेरे जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। खाब वो मर्द हो या खातून हो, बिलखसूस खातून के लिए अल्लाह ने उस मरकज तहारत को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक नमूने अमल बनाया है। लीजिए हम उसी खातून की इस शहादत के मौके से मजलिस का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करना चाहते हैं, लेकिन कब इस पे कि मैं जनाब हाफिज मोहम्मद उमैर साहब मुदर्रिस मदरसे सुलेमानिया पर आवाज हूँ, दो बात आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि कुरान है क्या, कुरान की अजमत क्या है, कुरान कहता क्या है कि मैं हूँ खालिद की जुबान नाम है कुरान मेरा, मैं हूँ खालिद की जुबान नाम है कुरान मेरा, मुझ पे लाजिम किया अल्लाह ने, सब पे लाजिम किया अल्लाह ने इरफान मेरा, मर्जी हक के मुताबिक बना उनवान मेरा, मैं हूँ खालिद की जुबान नाम है कुरान मेरा, सब पे लाजिम किया अल्लाह ने इरफान मेरा, मर्जी हक के मुताबिक बना उनवान मेरा, मेरे कारी बनो इमाम हरारत होगी मुझको समझोगे तो खालिद से मोहब्बत होगी, कि 114 है सूरा मेरे सीने पे रकम, लिख ना पाए तेरी तौकीर ठहर जाए कलम, अपने सीने में छुपा रखा है किस्मों का भरम, आले अहमद ने किया मेरे मुकद्दर पे करम, कि है उसी जात से इस दहर में इज्जत मेरी, नोके नैजा पे किया जिसने तिलावत भेजी। लीजिए हजरात आपकी खिदमत में जनाब हाफिज मोहम्मद उमैर साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो इस मजलिस का आगाज तिलावत कलाम मजीद से फरमा रहे हैं। Yeah.
أمثالهم تبديلا
आपकी रजा चाहता है और आप फातिमा तुज़हरा की रजा चाहते हैं।
मुझे याद रहा है तो हदीस किसा का वो जुमला के जिसमें पैगंबर इस्लाम ने और तमाम वो अनवार मुकद्दसा जमा है जिसे पंजतन कहते हैं और फातिमतु ज़हरा बयान फरमा रही हैं। और जब अल्लाह और इब्राहिम के दरमियान मुकालमा हुआ तो अल्लाह ने क्या तारुफ का अंदाज अख्तियार किया, हम फातिमतु अबूहा व बालुहा व बनुहा, फातिमा है, उसके बाबा हैं, उसके बेटे हैं, उसका शौहर है। और फातिमा का मकाम क्या है? जनाब ज़हरा का मकाम यह है कि इस खातून के रहने के लिए जो अल्लाह ने घर बनाया है वो कोई ऐसा घर नहीं है, नहीं, अहलल बैत नबूवा, ये नबूवत के घर की है, नबी के घर की नहीं है, नबूवत के घर की है। याद रखें कि नबी उसे कहते हैं जो दर्जे नबूवत से फायज हो जाए। नबी वो होता है जो हदे नबूवत के फायज हो, लेकिन फातिमा उस घर में रहने वाली जो नबूवत का मकान है। और फकत नबूवत के घर में रहने वाली नहीं है, ये मादनुर रिसाला भी है। मादन उसे कहते हैं जहां से खजाने बरामद होते हैं। फातिमा की जात गिरामी वो है जहां से रिसालत और नबूवत निकलती है। यही वो मकसद रिसालत है, यही वो मकसद नबूवत है। क्या कहना उस शहजादी का कि जहां से रिसालत और नबूवत निकलती है, अगर रिजाए ज़हरा ना हासिल हो तो कोई नबी नहीं हो सकता। तो जब कोई नबी बगैर ज़हरा की मर्जी का नहीं हो सकता तो कोई मुसलमान मोमिन भी नहीं हो सकता जब तक जनाब ज़हरा की रजा हासिल हो। कोई नहीं। यकीनन इस शहजादी की अजमत कुरान की एक एक आयतें बयान करती हैं। जो अजमत मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है, वही अजमत जनाबे ज़हरा की। अगर वो मासूम तो ये मासूमा बिल्कुल दोनों का पल्ला बना। मगर हमने जनाबे मौलाए कायनात की जंगों से बहुत सारे वाकयात सुने कि मौलाए कायनात ने ज़ुल्फ़िकार चलाई, दरे खैबर उखाड़ा, जंगों को फतह किया। जनाबे ज़हरा का किरदार, जनाबे ज़हरा की वो कोशिशें इस्लाम के लिए, क्या जनाबे ज़हरा ने शुजात नहीं पेश की? पेश की। हमने गौर नहीं किया जनाबे ज़हरा की शुजात के सिलसिले से। वो किरदार, वो इल्म, वो फ़ज़्ल, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जनाबे ज़हरा के अंदर। और शर्त यह है कि हम ज़रा फिक्र करें, गौर करें और जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पूरी जिंदगानी पे रोशनी जो डाली गई उसे हम जिंदगी का वो सबक हासिल करें कि जहाँ शुजात और बिलखसूस हुकूमत के हसूल की आदि के लिए तो हम कोशिशें करते हैं सब बेकार हैं। जब तक हम किरदार जनाबे ज़हरा को अपनी जिंदगी का शियार नहीं बना लेते उस वक्त तक हम अपना हक हासिल नहीं कर सकते। दीजिए ये तकरीर का वक्त नहीं है और मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया है, सिर्फ ये खानापूरी के लिए मुझे लाकर रखा गया है ताकि कुछ बात आपकी खिदमत तक मैं पहुँचा सकूँ। और ये शर्फ मुझे भी हासिल हुआ कि यकीनन मैंने गुज़श्ते साल भी जनाबे ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मजलिसों के दौरान मुझे भी शर्फ हासिल हुआ एक छोटी सी तकरीर का। और मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं जैसे ही यहाँ आया शिरकत की वजह से मौलाना का हुक्म हुआ कि आपको थोड़ी देर बना भी निज़ाम आपको माइक पे आना है, लिहाजा मैं मौलाना के हुक्म से आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। सिर्फ एक शेर और मैं उस शायर को दावत दूँ कि जिसके आप मुंतज़िर हैं कि नबी की बेटी अली की ज़ौजा खुदा की मर्जी का नाम ज़हरा। नबी की बेटी अली की ज़ौजा खुदा की मर्जी का नाम ज़हरा। नबी भी कहते हैं जिसको आकर वो तुम पे रात हो सलाम ज़हरा। यकीनन ये पैगंबर आज़म की इकलौती बेटी। मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ तमाम खुतबा-ओ-ज़ाकरीन और शुआरा से कि बिलखसूस इस लफ्ज़ को जनाबे ज़हरा के साथ जरूर इस्तेमाल करें कि नबी की इकलौती बेटी, नबी की इकलौती बेटी, नबी की इकलौती बेटी जनाबे ज़हरा। वरना नए जहरों तक ये बात पहुँचाई जा रही है इंटरनेट के जरिए, मैसेज के जरिए कि नबी की एक बेटी नहीं तीन तीन बेटियाँ हैं। ये साबित
किया जा चुका है कि नबी की एक बेटी है फकत जनाब ज़हरा, और जनाब ज़हरा ने भी साबित कर दिया कि मैं फकत तन्हा अपने बाबा की बेटी हूँ फिदक का मुतालबा करके, वरना कोई बेटी किसी बेटी ने भी फिदक का मुतालबा नहीं किया है। जनाब ज़हरा ने मुतालबा फिदक करके बता दिया कि कायनात में अगर कोई पैगंबर की बेटी है तो वो तन्हा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। लीजिए अपनी बात को तमाम करते हुए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उस्ताद शोरा जनाब खुर्शीद छपरवी साहब को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। आप हजरात से जमा से कि उनका इस्तकबाल एक नारे सुन समझदार कर सूखी हुई दिशा मैं
दोष है। आज के हालात में होता है कि पस्ती को ही समझने लगा, पस्ती ही को समझने लगा, इनके तमाशा पस्ती ही को समझने लगा, इनके तमाशा इस दौर में को जहनों को भी मार पस्ती ही को समझने लगा और देखो जहनों को दिमाग कर दिया। हसीन नफसी नफसी का आलम है हर वक्त, हसीन नफसी नफसी का आलम है हम नफस इस दौर में, इस हसीन नफसी नफसी का आलम है हम नफस। दुनिया को गोया हसीन का पौधा कर दिया, दुनिया को गोया हसीन का पौधा कर दिया। और मैं इतना ही कहता हूं कि तुमने तमाम नीसम कमाल तुमने सरेदार कर दिया। अरे इधारे इसने हैदरे करार कर दिया, इधारे इसने हैदरे करार कर दिया और ऐसा असर दिखाया है इसने हुसैन ने, ऐसा असर दिखाया है कि ऐसा असर दिखाया है इसने हुसैन ने एक शाम में हुन को साहब एक किताब कर दिया, लम्बे दस्ते नबी तुझे आ गई, तासीरे लम्बे दस्ते नबी तुझे आखरी पत्थर को तूने लाए थे उतार कर दिया, पत्थर को तूने लाए थे, तासीरे लम्बे दस्ते नबी तुझे आ गई, पत्थर को तूने लाए थे उतार कर दिया। और मधे बुदूले पाप की कलियां निकल गई, मधे बुदूले पाप की कलियां निकल गई, जिसने फिदा को रूह से गुजार कर दिया और जहनों को, और ये बताता हूं कि जहनों को इनकलाब से दो चार कर दिया, जहनों को इनकलाब से दो चार कर दिया। गिनते नबी ने कौन जो दो चार कर दिया, गिनते नबी ने कौन जो बेदार कर दिया। अरे आप बोशे तरबियत किए मेराज देखिए, आप बोशे तरबियत किए मेराज देखिए, बेटों को अपने खुद का सरदार कर दिया, आप बोशे तरबियत किए मेराज देखिए, बेटों को अपने खुद का सरदार कर दिया। और उम्मे उम्मे अबीहा प्यार से, उम्मे अबीहा प्यार से बेटी को कह रही थी, उम्मे अबीहा प्यार से बेटी को कह रही थी, ममता से यूं रसूल को सरदार कर दिया, ममता से यूं रसूल को सरदार कर दिया। Yeah.
आमी आए तो किसी कंजे में मुकसा और आमी आए तो किसी कंजे में यू कसा बातें का सांस से अभी कुछ बात कर दिया बातें का सांस से अभी कुछ बात कर दिया और आप इसे तो मैं कहूँगे नहीं है उसको देखे न देखे मोहे बेटी को पुरसा बाप का उम्मत कहीं हो दिया बादे हुजूर जीना भी दुश्मार कर दिया बादे हुजूर जीना भी दुश्मार कर दिया और भारत साल ही में असार चेंज कर चली भारत साल ही में असार चेंज कर चली अल्लाह ने ऐसा मौत देना चाहता अल्लाह ने ऐसा मौत नाचार कर दिया वादे रसूल रंजो साहब टूटे रिश्ता वादे रसूल रंजो साहब टूटे रिश्ता दिन के उजाले को भी शबेदार कर दिया दिन के उजाले को भी शबेदार कर दिया खुशी बेनिशा हुआ रोजा भी दूर का खुशी बेनिशा हुआ रोजा ने इस तरह निस्मार कर दिया दस्ते इतम ने इसका पाकर आपने पापा तो सहा समान रहे मुद्रानी अपने दर पेश कराने थे यकीन क्या कहना किरदार के जनाब के पास का तो जहां सलाम रहा जिसने पूरी कौम को वो बेदारी अदा कर दी जो कायनात की तमाम खवातीन मिलकर नहीं कर सकती और तन्हा जनाबे ज़हरा ने किया खुदावंद करीम हम सबको वो ज़ौक वो शौक और वो जज्बा अता करे कि हम अपने दिलों के अंदर किरदार जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा अखलाक़ जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा और अक़वाल जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दे सकें ताकि आने वाले कौम को और आने वाली नस्लों को हम बता सकें कि जनाब जहरा किस खातून का नाम है कि जिसके घर में बेटे ऐसे कि सरदार जवानाने जन्नत शौहर ऐसा जो मालिक कौसर बाबा ऐसा जो शाफ़ महशर उस खातून का क्या कहना हाफिज़ान मोहतरम यकीनन कि उस बेटे का जिक्र क्या करूं कि जिसे फातिमा जहरा ने पाला तो इस्लाम की वो जिम्मेदारी अदा कर दी कि मेरे लाल हुसैन अब ये इस्लाम है और तू है ये शरीयत है और तू है ये कुरान है और तू है अंबिया की इज्जतें हैं और तू है काबे की अजमत है और तू है कुरान की इज्जत है और तू है वहदानियत की लाज है और तू है इस्मत की पासबानी तुझे करनी है रिसालत को बका तुझे देनी है शरीयत को कयामत तक के लिए इस्तेहकाम तुझे अता करना है मेरे हुसैन अब तू है और ये कायनात है अब तू है और इस्लाम है यकीनन इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम हुसैन है कुछ और नहीं इस्लाम ही का नाम हुसैन है हाजीदान मोहतरम उस हुसैन की अजमत क्या कहूँ बस चार मिसरे और फिर मौलाना को जहमत दो मिंबर पे हजार मोहतरम को हुसैन क्या कि जमीन तेरी है वो आसमान तेरा है अख्तियार हुसैन और फिर इस अख्तियार से आप अजमत जनाब जहरा का अंदाजा लगाएंगे कि जब बेटा ऐसा है तो माँ कैसी होगी कि जमीन तेरी है वो आसमान तेरा है अली के लाल ये कौमे मकान तेरा है काबा बाप की जागीर करबला तेरी मिला जुला के ये सारा जहान तेरा है काबा बाप की जागीर करबला तेरी मिला जुला के ये सारा जहान तेरा है मैं बड़े ही इज्जत एहतराम से दावत देने जा रहा हूँ आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना कलबे जवान साहब क़िबला को कि वह मिंबर पर तशरीफ ले आए और सामईन को अपने कलामात से
बार बार उनकी अहमियत को झिझोड़ रहा था कि जवाब ले आओ जवाब ले आओ जवाब ले आओ। अरे तुमको अपनी फसाद बनाने पर बड़ा नाज है, अपनी समझदारी पर बड़ा गुरूर है, तो जवाब ले आओ। पूरे कुरान के जवाब नहीं ला सकते, दस सूरों का ले आओ, दस सूरों का नहीं ला सकते, एक सूरे का ले आओ, एक सूरे का नहीं ला सकते तो एक आयत ही का जवाब ले आओ। बार बार कुरान चैलेंज कर रहा था लेकिन जवाब नहीं ला सके, जवाब नहीं ला सके। ये है एजाज कुरानी कि जो पूरी दुनिया को अपने मुकाबले में गूंगा कहा करते थे, वो खुद कुरान मजीद के मुकाबले में गूंगे बनकर रह गए थे। और आज के जमानों के लिए कर रहा हूं और आज के बच्चों के लिए कर रहा हूं कि ये चैलेंज आज भी है। बहुत तवज्जो तरफ बात है, बहुत तवज्जो, ये चैलेंज आज तक कायम है। जब तक ये दुनिया बाकी है ये कुरान मजीद का चैलेंज बाकी। कितना बड़ा खतरा मोल लिया है इस्लाम ने। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, पढ़े लिखे मजमे की तवज्जो चाह रहा हूं। कितना बड़ा, आज की इस्तेलाह में कहूं कि कितना बड़ा रिस्क लिया है, कितना बड़ा खतरा मोल लिया है कुरान मजीद ने। सिर्फ 1400 साल पहले ही के लिए चैलेंज नहीं था बल्कि आज भी ये चैलेंज है। कयामत ये चैलेंज है कि अगर तुम इस्लाम को मिटाना चाहते हो, अगर तुम रसूल की रिसालत को खत्म करना चाहते हो, अगर तुम कुरान मजीद की सच्चाई को मिटाना चाहते हो तो हम खुद तुम्हें मौका दे रहे हैं। अजीब जुमले हैं जो नजर कर रहा हूं आपके सामने। किसी भी मजहब ने, किसी भी दीन ने अपने को मिटाने के लिए और खत्म करने के लिए किसी को इतना आसान मौका नहीं दिया है, किसी को इतना सहल और आसान मौका नहीं दिया है। और ये मौका हमेशा हमेशा के लिए, जब तक दुनिया कायम है तब तक ये चैलेंज, ये मौका है कि अगर तुम इस्लाम को मिटाना चाहते हो, अगर तुम इस्लाम को खत्म करना चाहते हो, अगर तुम रसूल की रिसालत को मिटाना चाहते हो, अगर इस्लाम की, अगर तुम कुरान मजीद की सदाकत और सच्चाई को खत्म करना चाहते हो तो हम खुद तुम्हें मौका दे रहे हैं, हम खुद तुम्हें मौका दे रहे हैं। और ये मौका कयामत तक के लिए है कि तुम कुरान की एक आयत का जवाब ले आओ। आप याद रखें कि इधर आयत का जवाब आया, उधर कुरान का दावा झूठा हुआ। कुरान का दावा झूठा हुआ तो कुरान की सच्चाई खत्म हो गई। जब कुरान की सच्चाई खत्म हो गई तो इस्लाम की हक्कानियत खत्म हो गई। जब इस्लाम की हक्कानियत खत्म हो गई तो रसूल की रिसालत खत्म हो गई। तो इसका मतलब यह है कि आज भी कुरान मजीद की एक आयत का भी जवाब आ जाए तो मुसलमानों को कोई और धर्म इख्तियार करना पड़ेगा, कोई और दीन इख्तियार करना पड़ेगा, कोई और मजहब इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान की सच्चाई खत्म हो जाएगी। कुरान की सच्चाई खत्म हुई तो इस्लाम की हक्कानियत खत्म हो जाएगी। इस्लाम की हक्कानियत खत्म हुई तो रसूल की रिसालत खत्म हो जाएगी। जब रसूल की रिसालत खत्म हो जाएगी तो फिर मुसलमानों को कोई और दीन धर्म इख्तियार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना बड़ा खतरा मोल लिया है कि आज तक मौका दिया है और कयामत तक के लिए मौका है। इसका मतलब ये जुमले याद रखिए जो करना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए न किसी बहरी बेड़े की जरूरत है, न किसी बहरी बेड़े की जरूरत है, न एटम बम की जरूरत है, न हाइड्रोजन बम की जरूरत है, बल्कि अगर छोटे से कागज पर भी कुरान की एक आयत का जवाब आ जाए तो इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन चैलेंज का जवाब देने के बजाय बहरी बेड़ों की धमकी देना,
बमबारी की धमकी देना, एटम बम की धमकी देना, अरे खुद इस बात की दलील है कि आज तक बातिल कुरान के सामने अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा है। एक सलवात भेज दे रहा है। एक सलवात बोलना आवाज। बहुत वसी मौजू है दायरे के इस पर सिर्फ चंद जुमले ये तमीरियत करना, तो यह है कुरान मजीद कहेगा। लेकिन जो पहलू अर्ज करना है वो ये कि तमाम एजाज के पहलू, उसमें एक पहलू बहुत अजीम बहुत अजीम, वो है कुरान में कुरान मजीद की पेशीन गोईयां, प्रोफेसीज कुरान मजीद पेशीन गोईयां, जो कुरान मजीद ने पेशीन गोईयां की हैं, जो प्रोफेसिस की हैं, वो बेहतरीन दलील कि किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की एक कमजोरी है, चाहे कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना ही बड़ा साइंसदान क्यों ना हो, न्यूटन क्यों ना हो, आइंस्टाइन क्यों ना हो, अरस्तु क्यों ना हो, अफलातून क्यों ना हो, मर्जाए मौत क्यों ना हो, आलम दौरा क्यों ना हो, मजहबी लिहाज क्लियर कर दिया, एक कमजोरी है इंसान की, माजी का इल्म है उसे, हाल का इल्म है उसे, लेकिन एक सेकंड बाद क्या होने वाला है, एक लम्हे बाद क्या होने वाला है, ना बड़े से बड़ा आलिम बता पाएगा, ना बड़े से बड़ा साइंसदान बता पाएगा कि एक सेकंड बाद क्या होने वाला है। यानी माजी और हाल सब मालूम, मगर मुस्तकबिल का इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी को, इसलिए मशहूर शेर है कि सामान सौ बरस का है, बहुत मशहूर शेर है, सामान सौ बरस का है, पल की खबर नहीं, एक पल बाद क्या होने वाला है कि नहीं मालूम, ये बहुत बड़ी दायरे इंसान की कमजोरी है कि मुस्तकबिल का इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं, या जिसको वो इल्म अता फरमा दे, अपनी तरफ से जिसको इल्म अता फरमा दे उनको इल्म, वरना असल जो मस्तर और मुंबा है मुस्तकबिल के इल्म का सिर्फ अल्लाह के नाम। और दूसरी चीज कर दूं बच्चों जवानों के लिए कि कोई कह सकता ही नहीं है मुस्तकबिल का इल्म, मैं भी आपके सामने मिसाल पेश कर देता हूं, ये सूरज जो डूबा है ये सुबह को लू हो जाए, होगा कि नहीं होगा, और सुबह जो तुलू होगा वो शाम को गुरू हो जाए, तो अगर मैं यहां मिंबर से पेशींदगोई करूं कि साहब देखिए मुझे मुस्तकबिल का इल्म है कि सूरज जो डूबा है सुबह तुलू होगा, और सुबह तुलू हो जाए तो मैं देखिए मेरी पेशींदगोई कैसी पूरी होगी, और जब वो शाम को गुरूब हो जाए तो मैं कहता देखिए मेरा इल्म, मैंने कहा था कि शाम को गुरूब हो जाएगा, देखिए गुरूब हो गया, तो इसको छोटा सा नन्ना सा बच्चा भी पेशीन गोई नहीं मानेगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि बल्कि तवज्जो चाहता हूं, पेशीन गोई उस चीज को कहते हैं, पूरी तरह पेशीन गोई उस चीज को कहते हैं कि जिस वक्त बात कही जा रही हो, जिस वक्त बात कही जा रही हो उस वक्त इंसानी जहन तसव्वुर भी ना कर सकता हो कि ये बात कभी पूरी हो सकती, इसको कहते हैं बिल्कुल, ये कहते हैं बिल्कुल, ये है कुरान मजीद कहेगा, ये है मौजज़ा कुरान का कि ऐसे ऐसे मकामात के ऊपर कुरान मजीद ने पेशींगोईयां फरमाई हैं कि जहन इंसानी सोच भी उस वक्त का जहन सोच भी नहीं सकता कि बात कभी पूरी हो सकती। एक दो मिसालें जल्दी से आपके सामने पेश करूं, मिसालें तो बहुत है कुरान मजीद, लेकिन एक मिसाल आपके सामने करना चाहता हूं कि आप देखिए इब्तिदा इस्लाम में शुरू शुरू जाहिर लिहाज से बात कर रहा हूं, जाहिर लिहाज इब्तिदा इस्लाम में अगर आप देखें तो रसूलुल्लाह हैं और जनाब अबू तालिब हैं, 70-72 के सन यानी बुढ़ापे का आदमी, जनाब खदीजा हैं ज़ौजा की सूरत, एक गुलाम है ज़ैद इब्ने हारिसा और एक 10 बरस का बच्चा है, सिर्फ जाहिर लिहाज बात हो रही है,
तो अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो सिवाय कमजोरी के और कोई छैन रसूल के साथ, क्योंकि बुढ़ापा भी कमजोरी की अलामत, बूढ़े हैं जनाबे बुढ़ापा भी कमजोरी की अलामत, औरत होना भी कमजोरी की अलामत, क्योंकि इसीलिए सिर्फ नाजुक कहा गया है, औरत होना भी कमजोरी की अलामत, और ये गुलाम साथ है जो उस जमाने का सबसे कुचला हुआ कमजोर तबका था, ये गुलाम साथ है और एक 10 बरस का बच्चा साथ है और बचपना भी कमजोरी की अलामत। इसका मतलब है कि अगर जाहिरी निगाह से देखा जाए तो रसूलुल्लाह के साथ सिवाय कमजोरी और कमजोरी के कोई ताकत थी ही नहीं, और मुकाबले में लाखों थे जिनके पास अफराजी कुव्वत भी थी, जिनके पास लश्कर भी, जिनके पास फौज भी, जिनके पास असलहे भी, जिनके पास सियासी कुव्वत भी, हर तरह की कुव्वत उनके पास, मुकाबले में रसूलुल्लाह सिवाय कमजोरी का और कुछ नहीं था ज़ाहिरी लिहाज से। तो उस वक्त का जहन सिर्फ यही तसव्वुर कर सकता था, ये फैसला कर सकता था कि फतह किसको होगी, कामयाबी किसको होगी, ये वो इनको कामयाबी मिलेगी, ये फतेह होंगे कि जिनके पास सिवाय कमजोरी का और कुछ नहीं, या फतह उनको होगी जो लाखों की तादाद में है। उस वक्त का जहन यही सोच सकता था, इसके अलावा और कुछ नहीं, के लाखों अभी उठेंगे और इस कमजोर सी जमात को पीस कर कुचल कर रख देंगे, फतह उनकी होगी, शिकस्त उनकी होगी। उस वक्त कुरान मजीद ने पेशीन गोई की, उस वक्त कुरान मजीद ने ऐलान फरमाया कि रसूल घबराइए नहीं, सयुहज़मुल जम्उ वयुवल्लून अद्दुबर, अरे ये जो आपके सामने लाखों नजर आ रहे हैं इन सब को शिकस्त होगी और ये सब पीठ फिराकर भागेंगे। यानी ऐलान हो रहा है कि हमने बातिल के मुकद्दर में शिकस्त लिख दी, और सिर्फ चंद वर्षों में दुनिया ने देख लिया कि फतेह मक्का के मौके पर वही कोहे अबू कुबैर के जहां से मुसलमान जख्मियों की कराहें टकरा कर वापस आती थी, फतेह मक्का के बाद उसी कोहे अबू कुबैर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं टकरा कर वापस आ रही हैं, और दुनिया ने देखा कि कितनी जल्दी कुरान की पेशी कोई पूरी हो गई। सलवात भेजे ये है कुरान मजीद का एजाज, ये है एजाज कुरानी के, जो इस बात की दलील है कि इंसान का कलाम नहीं है, खालिक इंसान का कलाम, उसका कलाम है कि जिसके लिए माजी और हाल मुस्तकबिल एक। तो ये पेशीन गोई इस तरह से कुरान मजीद, और कई मिसालें हैं, जाहिर है कि वो मौका नहीं है कि उसकी तफसील हो सके। आप देखें यही सूरह कौसर बेहतरीन दलील है कुरान के एजाज, किस वक्त के सूरह कौसर नाजिल हुआ, इब्तिदा में नाजिल हुआ है, आखबाद में नहीं हुआ है, बिल्कुल इब्तिदा में नाजिल हुआ है, कि जिस वाले सूरह कौसर नाजिल हुआ जो कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा, सबसे मुख्तसर सूरा, ये सबसे मुख्तसर सूरा जब काबे में आ गए, नस्ल अटा कर दी, ये किस वक्त ऐलान हो रहा है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह को दुश्मन ताना दे रहे हैं कि ये अवतर हैं, इनकी नस्ल मुनक़ता हो चुकी है, इनकी नस्ल खत्म हो चुकी है, तो उस वक्त जो ज़हन उस वक्त का था वो यही सोच रहा होगा कि ताना देने वाले लाखों की तादाद में जिसको ताना दिया जा रहा है उसकी नस्ल खत्म हो चुकी है, तो यही तसव्वुर रहा होगा उस वक्त कि जो ताना दे रहे उनकी नस्ल बाकी रहेगी, जिसको ताना दिया जा रहा उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। उस वक्त कुरान ने ऐलान किया, अरे मुस्तकबिल का सीधा नहीं है कि हम आपको कसरत नस्ल अता करेंगे, बल्कि जमाने हाल ऐलान हो रहा है, रसूल हमने आपको कसरत नस्ल अता करनी, अपनी कुदरत नुमाई का इजहार करते हुए
قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی اور آپ کے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیا. کن کے بارے میں؟ لاکھوں کی تعداد میں تھے ان کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے نسل کو منقطع کر دیا، ان کو ابتر کر دیا. اوہ رسول، آپ کو کثرت نسل عطا کر دی. موقع نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیل ہو سکے، لیکن کوثر کے سلسلے میں زیادہ تر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ کثرت نسل ہے جو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے عطا ہوئی. کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن اس کو عام طور پر مفسرین مفاضل پر میں چاہتا ہوں کہ ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی ہو جائے تو دوسرا اقوال بھی ہے، تاکہ ہمارا پڑھا لکھا مجمع سے رہے اور ہمارے بچوں جوانوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ بھائی خالی یہی قول نہیں ہے بلکہ اور اقوال بھی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت ہے، وہ حوض کوثر ہے وہ جنت ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حسین نبوت. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم قرآن مجید. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد امت، کوثر سے مراد امت. لیکن یہ سارے کے یہ قول اقوال ہیں، لیکن یہ کہ اکثریت علماء نے اس اقوال کو نہیں بولا. اکثریت کا قول یہ ہے کہ یہ مراد وہ نسل ہے جو شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی طریقے سے چلی ہے، اور جو رد ہوئی ہے اس کی میں وہ بھی پیش کر سکتا ہوں تو دن جمعہ. کیونکہ آپ دیکھیں کیا اعلان ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر. لیکن جو دلیل پیش کی ہے علماء نے وہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد جنت کی وہ نہر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کو اعلان کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہم نے نعمت دی ہے، جو آپ کو یہ عطا کی ہے، جو آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. یہ جو ہم نے آپ کو نعمت دی ہے، پوری توجہ ہے، نعمت دی ہے، اس کے عوض میں آپ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اس کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی نعمت ہے جو ابھی بھی نہیں ہے. میں پڑھے لکھے بچوں کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی نعمت ہے جو ابھی ملی ہے کہ جس کا شکرانہ بھی ادا کرنا ہے اور جس کے لیے قربانی بھی دینا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نعمت ابھی ملی ہے، اور چونکہ جب سے جنت خلق ہوئی ہے رسول مالک جنت ہے، تو جب جنت کے مالک ہیں تو جنت کے ہر نہر کے بھی مالک ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جب سے جنت ملی، جب سے جنت خلق ہوئی ہے رسول اس کے مالک ہیں، تو جنت ابھی نہیں ملی ہے اور یہ نعمت ابھی ملی ہے رسول کو. پوری توجہ چاہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کی نہر مراد نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے کام اس کا جواب دیا گیا کہ عہدہ نبوت بھی مراد نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ یہ نعمت ابھی ملی ہے رسول کو جس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور عہدہ نبوت جب سے ہے تب سے نبی ہے. کنتو نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. اس کا مطلب ہے کہ جب سے ہیں تب سے نبی ہیں. ارے اور انبیاء میں اور ہمارے نبی میں یہی فرق ہے، اور انبیاء میں اور ہمارے نبی میں یہی فرق ہے کہ دوسرے انبیاء پیدا ہو کر نبی بنے ہیں، یہ نبی بن کر پیدا ہوئے ہیں. عہدہ نبوت بھی مراد نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے علم قرآن بھی مراد نہیں ہو سکتا. پوری توجہ ہے، علم قرآن مراد نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.
چھتے ایمان میں جعفر صادق علیہ السلام کو ایک شخص پہنچتا ہے اور ان کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ ہی حضرات کی تفسیر کے مطابق سورہ رحمان میں جو انسان کا لفظ آیا ہے اس سے مراد آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں وہ شخص کہتا ہے کہ اس سے مراد آپ کے جد ہے تو مجھے ذرا سے اتنا بتا دیجئے کہ سورہ رحمان میں ابتدا ہو رہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ارے جب انسان سے مراد آپ کے جد ہیں رسول اللہ تو ترتیب یوں ہونا چاہیے تھی کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اس کے بعد اسے علم قرآن دیا ترتیب کیوں ہونا پہلے خلقت کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا پھر تعلیم قرآن کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ نے ترتیب کیوں بدل دی علم القرآن پہلے ہے خلق الانسان بعد میں یہ ترتیب کیوں بدل دی پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تخلیق کا تذکرہ پہلے ہوتا تعلیم کا تذکرہ بعد میں ہوتا تو کوئی بھی سوال کر سکتا تھا کہ تخلیق کے بعد آپ کے جد کتنے عرصے تک جاہل رہے بعد تخلیق کتنے عرصے تک جاہل رہے زیادہ قدرت نے اس شبہ کو مٹانے کے لیے تعلیم کا تذکرہ پہلے کیا ہے تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا ہے ایسا بات لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کتنے عرصے جاہل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم قرآن علم قرآن جب سے ہے علم قرآن کے حامل ہے تو مراد یہاں کے اوپر علم قرآن نہیں ہو سکتا کیونکہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کے عوض میں آپ شکرانہ ادا کیجیے اس کے بدلے میں آپ قربانی دیجیے اس کا مطلب ہے نعمت ابھی ملی ہے اور وہ آخری قول رہ جاتا ہے کہ امت مراد ہے آخری قول یہ کہ امت مراد ہے تو بس یہاں پر جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں ارے یہ تو امت کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ ایسا رسول ملا نہ کہ رسول شکرانہ ادا کرے کہ ایسی امت ملی ایک سلوات دے دے مرد آباد ایک سلوات مرد آباد اب اب ایک عظیم شخصیت کا قول نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس کو عالم اسلام میں امام اعظم کہا جاتا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ عالم اسلام کی انتہائی عظیم شخص ان کا جو قول ہے ان کا جو ورژن ہے وہ آپ کے سامنے دے درس دے رہے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ سورہ کوثر کا تذکرہ آتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے شاگردوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام ان کو نسل عطا کی اولاد عطا کی اس کے بعد جملے آپ نے فرمائے اور یہ اولاد قیامت تک باقی رہے عجیب جملے پوری طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے بیٹی کے ذریعے سے نسل عطا کی اور یہ نسل یہ اولاد قیامت تک باقی رہے ظاہر کے ہر زمانے میں انداز رہا ہے کہ شاگردوں کو خف حاصل ہوتا ہے سوال آج بھی ایران عراق درس ہوتے ہیں تو اس میں درمیان درد کو بھی شاگرد اٹھ کر سوال ہو سکتا ہے استاد جی میں یہ بات آپ نے کیسے کہی اس کی دلیل کیا ہے تو جیسے ہی امام ابو حنیفہ نے اپنی بات ختم کی ایک شاگرد کھڑا کہ استاد یہ بتائیے کہ آپ نے سورہ کوثر کے ذریعے تو ثابت کیا کہ سورہ کوثر کے مراد وہ کثرت نسل ہے جو رسول اللہ کو ان کی صاحبزادی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے مگر یہ جملے آپ نے کہاں سے کہہ دیے توجہ چاہ رہا ہوں پڑھے لکھے مجموعی کی توجہ یہ جملے آپ نے کیسے ارشاد فرما دیے کہ یہ نسل قیامت تک باقی رہے یہ اولاد قیامت تک باقی رہے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ارشاد فرمایا دیکھو عطا اور ہبا دو طرح کوئی عطا کوئی تحفہ کوئی ہبا دو طرح
एक हिबा वो होता है कि जो बगैर किसी हलवत के, बगैर किसी हलवत के, तो हिबा अगर बगैर किसी हलवत के है तो हिबा करने वाले को वापस लेने के अख्तियार है, अपनी अता को वापस ले सकता है, अपने तोहफे को वापस ले सकता है, अपने हिबा को वापस ले सकता है, अगर उसका कोई हिबल नहीं, अगर उसने कोई बदल मुहैया नहीं किया है। लेकिन अगर हिबा मुआवजा है, अगर हिबा मुआवजा है, आज भी इस्तेलाह कानून में इस्तेमाल होती है, आज भी इस्तेलाह, अगर हिबा मुआवजा है यानी उसके बदले में कोई एवज है, तो अगर इसको हिबा किया गया, उसने वो एवज अदा कर दिया, तो फिर हिबा करने वाले को वापस लेने का अख्तियार नहीं रहता, वापस लेने का अख्तियार नहीं रहता। तो कुदरत ने हिबा और अता रसूल को दी और एवज मुहैया कर दिया कि इसके एवज में आपको नमाज भी पढ़ना है, कुर्बानी भी देना है। रसूल ने नमाज भी अदा कर दी, कुर्बानी भी दे दी, इसका मतलब है एवज अदा हो गया। अब हिबा करने वाले को वापस लेने का अख्तियार नहीं रहा, लिहाजा नफ्स रसूल कयामत तक बाकी रहे। اللہ میں موجودی آل الاسلام میں بہت مشکل ہے، انہیں نے بھی اپنی تفسیر تمہید تفہیم القرآن کہ جو آپ کو جگہ دستیاب ہوگی ہم ہندوستان کی دستیاب کسی سورہ کوثر کی تفسیر میں نہیں کرنا، بڑا خوبصورت جملے سے نہیں کرنا جو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کثرت نفس عطا ہے، سورہ کوثر کی تفسیر بھی ہے کہ کثرت نفس عطا ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو تانا دے دیتے اکثر، ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ جو تانا دے دیتے، اللہ نے ان کی نسل کو ختم کر، ان کی اولاد کو ختم کر دیا، خود بھی ختم ہو گئے نفس بھی ختم۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی اولاد سے موجود بھی ہے، اللہ کی موجودگی کی ضرورت، کہ اگر ان کی اولاد سے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، عاصم بن وائل، اگر ان کی اولاد سے کوئی موجود بھی ہے تو اسے علم ہی نہیں کہ ان کی اولاد سے ہے، اس کو علم ہی نہیں کہ ان کی اولاد ہیں۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر اسے علم بھی ہے، اگر اسے علم بھی ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، تو اسے گوارا نہیں ہے کہ اپنے کو ان کی طرف رسوخ۔ اگر آج کسی کو معلوم بھی ہو کہ اس کے دادا ابو لہب رہا تھا تو کیا وہ اقرار کرے گا؟ اگر آج کسی کو علم بھی ہو کہ اس کا پردادا ابو جہل رہا تھا تو کیا اقرار کرے گا؟ جس کا اسی بات کو تحریر فرما رہے ہیں کہ اگر علم بھی ہے اس کو تو اس کو یہ منظور نہیں کہ اپنے کو ان کی طرف منسوخ کرے۔ اور آج پھر کے جملے آ گئی کہ زمین کا کوئی گوشہ ایسا موجود نہیں ہے، کوئی کنارہ ایسا موجود نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جہاں نسل رسول کا کوئی نہ کوئی موجود رہا ہو۔ سلوات بھیجنے والا سنجیدہ موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اعجاز کا زور، قرآن مجید معجزہ اعجاز کا زور، کہا اعلان کیا، آج سے 1400 سال پہلے اعلان کیا، اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید کا اعلان کہ رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی اور آپ کے دشمن کو ابتر کر دیا۔ ایران سے کتاب چھپی ہے تقریباً 20 سال پہلے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ 20 سال پہلے انہیں نے اعداد و شمار بیان کیے ہیں کہ پوری دنیا میں سادات کی تعداد تقریباً 3 کروڑ ہے۔ یہ 20 سال پہلے کے اعداد و شمار ہیں۔
कि पूरी दुनिया में सादात की जो तादाद है वो 3 करोड़ है। देखिए किस तरह से कुरान की पेशी गोई पूरी हुई है। अरे जो लाखों थे उनका एक मौजूद नहीं, जो एक था उसके 3 करोड़ मौजूद। एक सवाल है, और 24 घंटे का एक बहुत अहम पहलू आपके नजर करना चाहता हूं, पूरी तवज्जो का तालिब हूं कि 24 घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता। दिल पर नक्श कर लीजिए जुमले जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 24 घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि जब जमीन पर कहीं ना कहीं मोहम्मद व आले मोहम्मद को दुरूद ना भेजा जाए। बच्चियों जवानी जुमले नक्श कर ली दिल पर कि 24 घंटे का कोई लम्हा कोई सेकेंड ऐसा नहीं गुजरता कि जमीन के ऊपर कहीं न कहीं दुरूद न भेजा जा रहा हो, सलावात न भेजी जा रही हो। कोई ये कहे कि साहब बड़ा मुआजला कर दिया, बड़ा एक्सेजरेशन है, बात को बड़ा बढ़ा दिया, खिताबत है, जाकिरी है, लफाजी है। नहीं, हरगिज हरगिज नहीं, न खिताबत है, न जाकिरी है, न लफाजी है, न मुबालगा है, न एक्सेजरेशन है, बल्कि बहुत बड़ी हकीकत है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसको साबित करना चाहता हूं। बगैर दलील की बात नहीं होती। आप देखें कि 24 मेरा दावा यह है कि 24 घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि रूह जमीन पर कहीं ना कहीं दुरूद न भेजा जा रहा, कहीं ना कहीं सलावात न भेजी जा रही हो। क्योंकि तमाम आप देखते हैं कि आफ्ताब की गर्दिश के साथ साथ नमाज का वक्त बदलता रहता है, नमाज का वक्त तब्दील होता रहता है। फर्ज कीजिए अभी यहां नमाज का वक्त है तो दूसरे लम्हे दूसरी जगह है, तीसरे लम्हे तीसरी जगह है, चौथे लम्हे चौथी जगह है। इस वक्त इस जमीन पर कहीं नमाज पढ़ी जा रही है, दूसरे लम्हे कहीं और नमाज शुरू हो जाएगी, तीसरे लम्हे कहीं और नमाज शुरू हो जाएगी। आफ्ताब की गर्दिश के साथ साथ नमाज का वक्त बदलता रहता है और किसी न किसी जमीन के खित्ते पर नमाज का वक्त होता है हर लम्हे। 24 घंटे के हर लम्हे कहीं ना कहीं नमाज का वक्त होता है। और तमाम मुसलमान फुकहा का हर फिरके के पूरे चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, हर फिरके के मुसलमान फुकहा का ये फैसला है कि किसी मुसलमान की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती जब तक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद न भेजे। दलील बात में दलील पेश करना चाहता हूं और ये दलील ऐसी है इसके लाखों गवाह हैं, लाखों गवाह हैं। दलील हज के बाद जानते हैं कि माशाल्लाह 20 लाख, कभी 25 लाख, कभी 30 लाख किस तरह से वहां पर दलील होती है। और जब ये हाजी वापस होने लगते हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 बार हज से मुकर्रर हो चुका हूं, उसके बाद तबीयत की खराबी की वजह जब नहीं जा पाता, लेकिन महाराज 5 बार मुकर्रर हो चुका हूं हज। तो जब भी हज का आदमी वापस आता है हवाई जहाज, जब पहुंचता है हवाई अड्डे के ऊपर, तो वहां सऊदी हुकूमत की तरफ से किताबें मिलती हैं। जो भी हाजी साहब जाएंगे उनको किताबें मिलेंगी, जिस जबान में आप मांगिए, अंग्रेजी मांगिए अंग्रेजी मिलेगी, अरबी मांगिए अरबी, फारसी फारसी, हिंदी में हिंदी, उर्दू की किताब चाहिए तो उर्दू में, तो तमाम किताबें तर्जुमा शुदा वहां पर मौजूद रहती हैं। तो लाखों लोगों हाजियों को किताब मिलती, किताबें मिलती हैं। मेरे पास भी किताबें मिले, उसमें किताब रहती है, इसमें अकायद बयान होते हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से, उनके उलमा हैं उनकी तरफ से अकायद बयान, तो ये सही अकीदे से होना चाहिए। इस तरह से हज तरह से रोजा अच्छा से नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ने की तरकीब भी की उसमें भी सर नमाज पढ़ो, अब पढ़ते चले जाइए पढ़ते चले जाइए, आखिर में तो शबूत और तवज्जो चाह सबूत मेरे पास मौजूद, दलील मेरे पास मौजूद। तशबुद भी कहा जाता है और तहियात भी कहा जाता है, उसमें तहरीर सऊदी अरब के उलमा की तस्दीक शुदा वो किताब मेरे पास मौजूद कि जिसमें यह तहरीर है कि तशहुद में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना वाजिब,
वाजिब है दुरूद पढ़ना, वाजिब है। इसका मतलब यह है, जब वाजिब लिख दिया तो अगर जान बूझ कर कोई छोड़ दे तो नमाज बातिल, अगर दुरूद न पढ़े तो नमाज बातिल। फिर दुरूद का तरीका भी लिखा हुआ है कि सही बुखारी शरीफ में जो दुरूद का तरीका लिखा हुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजो नमाज में, उसका तरीका भी लिखा हुआ उसमें, जिसमें सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र, पूरी तवज्जो जा रहा हो, सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का तस्करा सही बुखारी शरीफ के जरिए से जो दुरूद पहुंचा उसमें सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र है, और उसके बाद लिखा हुआ कि इस तरह से दुरूद पढ़ना वाजिब। वाजिब का मतलब यह है कि अगर जान बूझ कर छोड़ दिया जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। बस यही से फर्ज समझिए। अरे इस्लाम की तमाम शख्सियतें सराखों पर, जिसने जिसने इस्लाम की खिदमत की है तो सब सराखों पर, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद और दूसरी शख्सियात का फर्क महसूस कीजिए। कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, अरे किसी फिरके के आलिम के पास पहुंचिए और किसी शख्सियत का नाम लीजिए तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो हो सकता है ताजीम से उठ खड़ा हो, अरे क्या कहना उनका, क्या मर्तबा था उनका, क्या फजीलतें थी उनकी, क्या इस्लाम की खिदमतें थी, क्या उनका शरफ था। जब सारे फजीलतें वो बयान कर लें, जितने शरफ है सब बयान कर लें, सारी खिदमतें बयान कर लें, सारे मर्तबे जो बयान कर लें, तो जरा चुपके से ये पूछिए कि जब इतना मर्तबा था, जब इतनी फजीलतें थी, जब इस्लाम की इतनी खिदमतें थी, तो क्या आप उनका नमाज में तस्करा कर सकते हैं, क्या उनका नमाज में तस्करा कर सकते हैं। वो आलिम दीन घबरा कर कहेगा कि मर्तबे अपनी तरफ, तवज्जो है, अरे मर्तबे एक तरफ, फजीलतें एक तरफ, सारी खिदमतें एक तरफ, मगर कभी भूले से भी, कभी भूले से भी नमाज में जिक्र न कर देना, वरना तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी, तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी। बस यहीं से फर्क महसूस कीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद और इस्लाम की दूसरी शख्सियतों में, कि अगर उनका तस्करा कर दो तो नमाज बातिल है, और अगर इनका जिक्र न करो तो नमाज बातिल है। आप देखें कि आज हम इतनी आसानी से बयान कर रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, लेकिन कुछ जमाने ऐसे थे जैसे बनी मैया के जमाने, बढ़िया बनी अब्बास के जमाने, वहां ये कहना कि आज रसूल जो है वो रसूल की औलाद है, सब रसूल की नस्ल है, कहने का मतलब ये तक अदर, कहने का मतलब तक बड़ी मैया के जमाने में सख्ती से मना था, यहां तक कि इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए कोई नहीं कह सकता था कि रसूल की औलाद, किसी को कहने की इजाजत नहीं कि रसूल की औलाद कह सकते, अगर कह दिया किसी ने तो जबान कट जाएगी, फलन हो जाएगी, क्या उसको कहता नहीं जाएगी। लिहाजा बड़ी मैया का जमाना है और हजार गवर्नर है जो तारीख का तारीम तरीन इंसान को उठा गया, हजार गवर्नर एक है, एक आलिम दीन के नाम के हजार, ये बिहार परिवार में मौजूद है और कमजोर ये जो है मुंतहा नमाज, अब जनाब शेख अब्बास को मिलने वाले
प्यार और मालूमी वाक्य है जो आप खाने से सुनो कि यह क्या नाम के काम में तो खुरासान यह रात में, यह रात में हजार और वो से खुरासान, खुरासान की किसी मस्जिद में उन्हीं ने अपने दर्द में कह दिया इमाम हुसैन के हिस्से में कि रसूलुल्लाह की औलाद, जासूसों ने खबर पहुंचाई कि रात से फौजी दस्तार भेजा गया था, खुरासान से गिरफ्तार करके लाया गया दरबार में मंदिर में जाकर जला दिया गया, कैदखाने में डाल दिया गया, कई साल गुजर गए मंदिर में, जाहिर के उस जमाने के कैदखाने आकर के जेल, आजकल के जेल उस जमाने के कैदखाने बड़ा धुंधा आसमान करता, वो तो अंधे कुएं पर होते थे, वो कैदखाने नहीं होते, अंधे कुएं ऐसे होते थे जिसमें मंजूरों में जकड़ के डाल दिया जाता था, जिसमें न दिन की खबर होती थी न रात की, 24 घंटे में एक टूटी रोटी और तला से पानी को मिलता था, पैसे इससे ज्यादा उनको खाने की नहीं जाती, कई साल इसी तरह मिल जाते जंजीरों में। हजार के दरबार में एक साहब थे कि जो थोड़ा सा उनसी दृष्टि से ले जाते, एक दफा उन्होंने डरते डरते कहा हजार से, ये हजार बड़ी अजियतें बर्दाश्त कर ली है, यानी उनको आसान बरसों से कह रहे हैं इतनी अजियतें उन्हें बर्दाश्त की हैं, यार हजार को छोड़ दे आजाद कर दे, मगर हजार का पसीने वाले भी उसने कहा कि मैं आजाद कर दूंगा, मगर एक शर्त है, क्या शर्त है, क्या अपना ये अकीदा छोड़ दिया उन्होंने कि हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, कि अलैहिस्सलाम का अकीदा सिखता था कि हसन हुसैन जो है वो रसूलुल्लाह की औलाद, अगर ये अकीदा छोड़ दिया है तो फिर मुस्लिम उससे कहा बुलवाइए तो कह खाने से कैसे गया, अब जंजीरों में जकड़े से जला दिया गया हजार के दरबार, हजार के दरबार में कि जिसका नाम सुनकर लोगों का खून कुछ पड़ गया, नाम सुनकर खून कुछ पता लगा, इतना जालिम सब पता है, उसके दरबार में आ गए और अब हजार के साथ होते कहते हैं हजार तुम्हारा दोस्त तुम्हारी सिफारिश तुम्हें आजाद, अगर मैंने ये शर्त लगाई कि अगर तुमने वो अपना पुराना अकीदा छोड़ दिया हो कि हसन हुसैन रसूल की औलाद है उनकी नस्ल से हैं तो फिर मैं आजाद करूंगा, तो बताओ ये तुम अपने पुराने अकीदे पर बाकी हो या छोड़ दिया, उसने सोचा कि इतनी जहमतें बर्दाश्त की, इतनी अजियतें, इतनी तकलीफें, जरा मैं कह दी क्या कहेगा इसके जंजीरों में जो झगड़ा हुआ, तो जरा मैं कहना जवाब दिया कि हजार को किस गलत फहमी में, एक हजार को किस गलत फहमी में है, अरे जो अकीदा रूह का जुज होता है वो कहीं छोड़ा जाता है, जिसम से रूह निकल सकती है मगर दिल से यह अकीदा नहीं निकलता, ये जनाब हजार ने समाया और उसको गैर राज्य गुस्सा आ गया दिया के सर के पर तलवार लेकर खड़े हो जाओ, और उसके बाद यहिया से कहा जाने यहिया से कि कुरान मजीद के जरिए साबित करो, कुरान मजीद के जरिए साबित करो कि हसन हुसैन रसूल की औलाद है, जैसे ही जनाब यहिया ने बोलना चाहा हज्जाज ने हाथ उठाकर कहा और सुनिए बहुत और हज्जाज ने हाथ उठाकर कहा देखो कुरान मजीद से दलील देना मगर आए वो बाहला ना पाऊंगा, आए वो बाहला ना पाऊंगा क्योंकि वो आयत हज्जाज कह रहा है कि वो आयत मुझे भी याद है मगर एक वक्ती हुक्म था जो मंसूख हो गया, अभी वो इश्तिहाद कर रहा है, वक्ती हुक्म था जो मंसूख हो गया, आपको मालूम ही है कि मुबारक के मौके पर रसूलुल्लाह से कहा गया था कि अपने बेटों को लाइए, अपने बेटों को लाइए, कुल ताल और नद अब ना ना वो अब ना तुम निशा ना वो निशा तुम वन फसल ना वन फसल तुम, आए वाला याद हो गया हजार तो रसूल को हुक्म दिया जा रहा है कि रसूल आप अपने बेटों को लाइए, यहां पर पहला सवाल ये होता है कि क्या माज अल्लाह इल्मे इलाही से ये बात निकल गई कि रसूल का कोई बेटा मौजूद नहीं है,
اور رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹوں کو لے کر آئیے میدان مواہدہ میں. قرآن نے کہا بیٹوں کو لے کر آئیے, اور بیٹوں کی جگہ پر امام حسن امام حسین کو لے جا کر قرآن کی عملی تفسیر کی ضرورت. یہ ہے آیا مواہدہ, یہ ہے آیا تو حجاج نے کہا کہ دیکھیے دیکھو حجاج یا قرآن سے ثابت کرنا مگر آئے مبارک نہ پڑھنا. ارے صاحبہ نے توجہ چاہ رہا ہوں مزہ کی, یہ سننا تھا, یہ سننا تھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے یحییٰ, زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی یحییٰ نے وہیں پر سجدے میں سر رکھا, وہی سجدے میں سر رکھا اور فرمایا سجدے میں کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اہل بیت کے سلسلے میں اتنی آیتیں اتاری ہیں کہ میں کسی ایک آیت کا محتاج نہیں ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے یحییٰ دیکھ ذریت جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے, اولاد جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ من ذریت ہی داؤدا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسیٰ و ہارون و کذالک نزل المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. اولاد جناب ابراہیم کا تذکرہ, ذریت جناب ابراہیم کا تذکرہ. اے یحییٰ اے حجاج نے سنا اس آیت کو, کہا ہم نے سنا دی ہے اور پڑھا دی ہے, مگر تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو, اس سے کیسے ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ حجاج نے غور نہیں کیا کہ اولاد جناب ابراہیم میں عیسیٰ کا نام, اولاد جناب ابراہیم میں جناب عیسیٰ کا نام, کہاں عیسیٰ کا نام ہے, مگر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ حجاج یہ بتا دو کہ عیسیٰ کے باپ کا کیا نام تھا.